गल दे उत्ते चर्चा की सी केस की हाई पद्धर से इंक्वायरी होनी चाहिए कि गल की हुई है कि साढ़े को एडे बड़े ए क्लास सिटी साढ़े ए क्लास अस्पताल के अंदर ऐसा भी कोई बैड नहीं है जिते कोई माँ को बच्चा जमन वास्ते आराम नाल और बैड मुहैया किया जाए। प्राइवेसी कित्थे रही? जिस प्राइवेसी लिए इंसान मरदा चलिया आ रहा है, धुर तो मरदा च आदि काल तो अपनी प्राइवेसी लिए मनुष्य संघर्ष करता आ रहा है, अगर वो प्राइवेसी ही नंगी हो गई तो मानवता नंगी होगी, मानवता नंगी होगी और जो जिम्मेदार ने उन्होंने इस गल का जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। एस डी एम ऐसे विचार व्यक्त करने तो थोड़ा परहेज करना चाहिए और इस सारी गल की, क्योंकि एस डी एम सब डिवीजन का मालिक है, उन्होंने सारिया गलों की घोख करके जाँच पड़ताल करके तो फिर अपना पक्ष रखना चाहिए। पंजाब सरकार जी है वो ये दो गलों लैके लिए सत्ता में आई थी, सेहत सुविधावान तो शिक्षा जी है वो आप वधिया लोगों को मुहैया करावे, क्या वधिया मुहैया करा पा रहे? शिक्षा की गल सुन लो, मास्टरणियाँ बेचारियाँ टैंकी से चढ़िया 6 दिन हो गया बेचारियाँ करा रही ने, उन्हें गल ही नहीं सुनी जा रही। मास्टर सारे सड़कों के ने जाके देख लो, उसकी कोठी से भगवंत मान की कोठी से मास्टर ने डेरा लाया। नमस्कार, तुसी देख रहे हो KRT न्यूज़ ते मैं हाँ लक्की सरोच। इस वेले मैं मौजूद हाँ पठानकोट दे विच, ते पठानकोट का बहुत ही भगदा होया मसला जो कि बीती जी 27 सितंबर नूं रात सिविल असल पठानकोट दे विच सिविल असल दे स्टाफ की अनगहली दे नाल एक महिला नूं फर्श ते जन्म जिहड़ा बच्ची नूं देना पै गया, तो काफ़ी मुद्दा गरमाया और पूरे देश भर दे विच वीडियो भी वायरल हुई। इस सारे मसले ते साडे नाल गलबात करन लई मौजूद ने पंजाब दे पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल जी, उन्हां नाल गलबात करांगे की सीगा सारा मसला। मास्टर जी बहुत बहुत स्वागत है KRT न्यूज़। मेहरबानी जी, KRTV का मैं बहुत स्वागत करना, ये तरक्कियां करता रहे थोड़ा टेलीविजन, यही मेरी दुआ है। बस ये मुद्दा थोड़े ध्यान से भी आया होना कि पठानकोट में इतना मसला बन गया कि स्टाफ की अनगहली करके कि महिला नूं फर्श के बच्चे जन्म देना पै गया, किस तरह देखते हो इस मसले नूं? इस मसला जो मेरे सामने लिया गया बड़े गंभीर और सीरियस और हीनियस मसला है। एडमिनिस्ट्रेशन हस्पताल दी न्याय और इलाज देन च नाकामयाब साबित हुई है। डॉक्टर्स पेशा जेड़ा ना एक ईश्वरीय पेशा है, रब दा रूप है ये पेशा, और कोई डॉक्टर अगर मानवता नूं शर्मसार करदा है, यानी तुसी सरे आम बच्चे नूं जन्म दे रहे हो और ये सारी दुनिया देख रही है, फर्श पर बच्चा हो रहा है, खून दे लथपथ बहला है, इस तो साफ जाहिर होंदा कि एडमिनिस्ट्रेशन कित ना कित फेल हो गई अस्पताल दी, और ईश्वर जिहड़ा काम करन वाला सी डॉक्टर ईश्वर दे रूप च, वो ईश्वर कित बा करके छुप गया। उस दे छुपन नाल मानवता जिहड़ी है शर्मसार हुई है, इंसानियत नूं बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैं अज तो बहुत दिन पहला मैं इस गल दे उत्ते चर्चा की सी कि इसकी हाई पद्धर ते इंक्वायरी होनी चाहिए कि गल की हुई है कि साढ़े को एडे बड़े ए क्लास सिटी साढ़े ए क्लास अस्पताल के अंदर ऐसा भी कोई बैड नहीं है जिते कोई माँ को बच्चा जमन वास्ते आराम नाल और बैड मुहैया किया जाए, उसकी प्राइवेसी नूं कायम रखा जाए। प्राइवेसी कित्थे रही? जिस प्राइवेसी लिए इंसान मरदा चलिया आ रहा है, धुर तो मरदा च आदि काल तो अपनी प्राइवेसी लिए मनुष्य संघर्ष करता आ रहा है, अगर वो प्राइवेसी ही नंगी हो गई तो मानवता नंगी होगी, मानवता नंगी होगी और जो जिम्मेदार ने उन्होंने इस गल का जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। मैनू तो कम से कम बड़ी शर्म आई इस गल के उत्ते। जो गल की जाए प्रशासन की, तो प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब उत्थे पहुँचते हैं इस मसले तो 3 दिन, तो उत्थे आके तो सीधा ही कहते हैं बिना किसी इंक्वायरी तो कि यह सारी गलती जी परिवार की है ना कि स्टाफ की, इस बारे की कहना चाहते? देखो, मैं SDM के बयान ना सहमत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना, DC तो लै करके SDM तक, SDM तो लैके तहसील तक सब ने हस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना, पर असी प्राइवेट लोग हाँ, असी मानवता दे राखी हाँ, असी समाज दे राखी हाँ, समाज के प्रति साड़ी उत्तरदायी है। SDM नूं ऐसे विचार व्यक्त करने तो थोड़ा परहेज करना चाहिए और इस सारी गल की, क्योंकि SDM सब डिवीजन का मालिक है, उन्होंने सारिया गलों की घोख करके जाँच पड़ताल करके तो फिर अपना पक्ष रखना चाहिए। जे गल की जाए सिविल असल प्रशासन की, तो उन्होंने वालों एक टीम बनाई गई थी, टीम बनाने तो बाद उन्होंने सिर्फ लीपा पोती जी की गई है, कुछ स्टाफ की जी बदली की गई है, उस रात जी डॉक्टर ड्यूटी पर थे उन्होंने सिर्फ एक चेतावनी नोटिस दे के जरा गल में दबाया जा रहा है, इस बारे की गल? चलो, मैं इस गलते की झगड़े च पैना कि सज़ा दी है कि नहीं दी,
ये उन्हों का आंतरिक प्रशासनिक मसला है। उन्होंने डॉक्टर इधर उधर करता या बदली करती है ये कुछ, इससे कोई इससे मैं सीरियस नहीं है, ये जो मर्जी करे प्रशासन। पर मैं जिस गल ते बड़ा सीरियस हाँ वो ये है कि डॉक्टर ईश्वर का रूप होकर भी मानवता को नंगा कर रहा है। मैं सिर्फ इस गल ते इत्थे ही खड़े होना कि ऐसा व्यवहार किसी भी यतीम तो यतीम, गरीब तो गरीब, निरी तो निरी प्राणी नाल नहीं होना चाहिए। और खास करके एक महिला नाल ते ऐसा अभद्र व्यवहार, अशिष्टाचार का व्यवहार तो किसी कीमत नहीं होना चाहिए। मैं निखेधी करना जी इस गल। पंजाब सरकार जिहड़ी आ उह ये दो गल्लां लैके जिहड़ी सत्ता विच आई सीगी, सेहत सुविधावां ते शिक्षा जिहड़ी आ उह आपां वधिया लोकां नूं मुहैया करावांगे। क्या वधिया मुहैया करवा पा रहे? शिक्षा दी गल सुण लो, मास्टरणियां बेचारियां टैंकी ते चढ़ियां, 6 दिन हो गए बेचारियां करा रहियां ने, उन्हां दी गल ही नहीं सुनी जा रही। मास्टर सारे सड़कां दे ने, जाके देख लो उहदी कोठी ते भगवंत मान दी कोठी ते मास्टरां ने डेरा लाया। शिक्षा दा की है जी? स्कूल सारे खाली पे ने, टीचर है नहीं है, टीचर है ने तो ब्लैकबोर्ड नहीं है, ब्लैकबोर्ड है ने तो किताबा नहीं है, किताबा है ने तो वर्दी नहीं हैगी, वर्दी हैगी तो मिड डे मील का खाना नहीं मिलता ठीक बच्चों की। शिक्षा का प्रबंध कर रहा है? जी शिक्षा के उत्ते उन्होंने बड़ा हौसला किया से असी दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, कोई लागू नहीं किया है दिल्ली मॉडल। निराशा हुई है लोगों शिक्षा के मसले च। और सेहत के मसले च तो मैं ये कहूँगा कि सेहत प्रोवाइड कर आप सरकार पंजाब फेल हुई है। पंजाब सरकार नूं जागरूक होना चाहिए है। इन्ना मास मैंडेट मिलिया, इन्ना अज दिन तक इतिहास किसी नूं मास मैंडेट नहीं मिलिया, बड़े पुरजोर तरीके नाल हल्ला मार के काम करना चाहिए। दो पक्ष उन्होंने लेने चाहिए, एक स्वास्थ्य ते एक शिक्षा, दोवां पासे अपनी जान की बाजी लगा करके उन्होंने सुधार लिया चाहिए। फिर खेडां वल होना चाहिए, बच्चों की खेडां वल। तीन चीज़ां ने जिन्हां वल ध्यान दे के सरकार अपने आप नूं अक्ष सुधार सकती है, अपना इमेज सुधार सकती है। अजे तक तो मैंने लगता नहीं सरकार ने कोई अपना इमेज लोगों की नज़र च बनाया। ये सके पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल जी जिन्होंने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेंदे कहा कि वो हुण तक जिहड़ा आ सेहत सुविधावां ते शिक्षा नूं जिहड़े लोगों नूं प्रदान करन विच बिल्कुल जिहड़े आ फेल रही है। उन्होंने सलाह भी दित्ती है कि ये सारी चीज़ों के पास सरकार नूं ध्यान देना चाहिए।